पहली चीज है सबब, इबादतों का असबाब होते हैं, वो असबाब कौन तय करेगा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय करेंगे। अल्लाह के रसूल बताएंगे कि किस सबब से कौन सी इबादत होगी। हम अपनी तरफ से कोई सबब किसी इबादत के लिए गढ़ नहीं सकते, वजा नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोई सबब ईजाद नहीं कर सकते, बल्कि हमको देखना पड़ेगा कि किस सबब से कौन सी इबादत मशरू की गई है। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात मिली थी, और फिरौन जो है जिस दिन गर्क हुआ था उस दिन हमको आशूरा का रोजा रखना है। तो आशूरा का रोजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सबब क्या बताया, उसका सबब बताया हजरत मूसा की फतेह। तो असबाब भी इबादतों की क्या है, वो अल्लाह के रसूल तय करेंगे। हम सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं और उसके हमको सबब बताया गया कि हजरत हाजर की यादगार है। हम ईद उल अजहा में कुर्बानी करते हैं, हजरत इब्राहिम की यादगार है। बारिश नहीं होती, हम इस्तिस्का की नमाज पढ़ते हैं, और सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, तो हम कुसूब और खुसूब की नमाजें पढ़ते हैं। तो इबादतों के जो असबाब हैं, कौन से सबब की वजह से कौन सी इबादत की जाएगी, सबब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआफ़िकत होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से किसी सबब की बुनियाद पर कोई इबादत वजा नहीं कर सकते, गढ़ नहीं सकते। हमको खुद इख्तियार नहीं दिया गया कि किसी सबब से कोई इबादत गढ़ लें, ये इख्तियार सिर्फ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और प्यारे रसूल भी इस इख्तियार को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हमको बताते हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो चीज हमको बताते हैं, वो असल में अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता है। जैसे अब कोई कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात मेराज कराई गई उस रात में इबादत की जाए, अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगी, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ईद मनाई जाए, तो भाई किसी इबादत का सबब क्या होगा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, ये हम अपनी तरफ से तय नहीं कर सकते। तो पहली चीज क्या है, सबब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।